Good morning, guys. I just woke up. By the way, today I'm going to bake a cake. कंटेंट्स के लिए गाइस सोचते सोचते मैंने सोचा आज केक बेक करके वीडियो बनाती हूँ. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू वॉश माय फेस. जस्ट सो क्यूट यू. अभी बहुत दिनों से फेस मास्क यूज नहीं किया है. फेस वॉश तो एज यू गाइस नो आई यूज दिस वाओ विटामिन सी रेंज का फेस वॉश. मेरे स्किन पे आजकल गाइस बहुत ज्यादा एक्ने आने लग रहा है. आपको कैमरे पे नहीं दिखाई देगा बट सच में आई हैव लाइक राइस लाइक छोटा छोटा स्किन का जो पोर्स है ना वहां पर निकल रहा है. तो इसीलिए टुडे आई एम गोइंग टू शो यू गाइस व्हाट फेस मास्क आई एम यूजिंग. विटामिन सी रेंज का ही है. फेस वॉश करके तो हो गया गाइस. अभी मैं अपना फेस पैक यूज करूंगी. ये फेस पैक जो है गाइस बॉडी क्यूपिक का फेस पैक है. विटामिन सी रेंज का है. और मुझे ये क्यों अच्छा लगता है बोलने से, ये जो है ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग का काम करता है. और पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, मिनरल फ्री. और ये देख सकते हो अब मैंने हाफ यूज कर लिया है एंड इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. इसीलिए मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. आप लोग भी ट्राई करना जरूर. और इसका जो स्मेल है ना गाइस बहुत अच्छा स्मेल है. लॉकडाउन हो रहा है और बहुत ज़रूरी आपके पास फेस पैक, फेस मास्क वगैरह घर पे रखने के लिए, क्योंकि पार्लर वार्लर तो अभी जाना अच्छा नहीं रहेगा. फेस पे और नेक पे दोनों पे लगाती हूँ गाइस. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आप जो भी फेस पे लगाते हो नेक तक लगाने के लिए. बस हो गया गाइस. आप देख सकते हो कितने अच्छे से लगाया. अभी मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रखने के बाद मैं फिर वॉश करूंगी. आई विल शो यू गाइस द रिजल्ट. तो गाइस मैं अभी ये वॉश करने वाली हूँ. ये सूख गया अच्छी तरह से. फीलिंग सो फ्रेश गाइस. देख सकते हो कितना स्किन ब्राइटनिंग हो जाता है इसको यूज करने के बाद. अभी मैं लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर आप देखना, ऑर्डर करना एंड टू ट्राई इट आउट गाइस. हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. दिस इज मी एना हियर. तो गाइस आज भी मैं घर पे हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. एंड हम सब बोर हो रहे हैं. मैं और मेरी कजिन बहन हम लोग सब बोर हो रहे हैं और हम लोगों को केक खाने का भी मन कर रहा है. इतना भी नहीं लेकिन हम लोग ने सोचा क्यों ना आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव किया जाए. लेट्स ट्राई एंड बेक. मैं सोच रही हूँ कस्तेला केक बनाने के लिए और कप केक्स बनाने के लिए. दिस विल बी माई फर्स्ट प्रॉपर ट्रायल केक बनाने का. मैंने पहले भी किया है लेकिन इतना अच्छा नहीं बना कभी मेरा केक. तो लेट्स सी आज का केक कैसे बनेगा. बहुत कम लोग होंगे जिसने लॉकडाउन में केक बेक नहीं किया होगा. लेट मी नो अगर आप लोग ने किया है. एंड या लेट्स गो एंड बेक. तो गाइस कस्तेला केक बनाने के लिए इन्ग्रीडियंट्स जो है हमें 6 अंडे चाहिए और कुछ मैदे और वनीला एसेंस और शुगर पाउडर. और हम इस पर बनाने वाले हैं हर्ट शेप पे. और ताज़ा दूध, बटर और ये है बर्तन, इस पर हम विस्क करेंगे. उसके बाद हम कपकेक्स की रेसिपी भी शेयर करेंगे. अभी के लिए इतना ही. एंड माय बेकिंग पार्टनर इज हाय हाय एवरीबॉडी. तो लेट्स बेक नाउ. बहुत ध्यान से गाइस यू कैन सी दिस. यहाँ पर येलो पार्ट है और यहाँ पर वाइट पार्ट है. मिक्स तो नहीं किया इधर दोस्तों. एक अंडा खराब है इसीलिए गाइस आप लोग भी ये जरूर ध्यान रखना जब आप लोग अंडे वो करते हैं. तो इसमें तो ऑलरेडी हमने वो डाल दिया. अगर उसको भी खराब वाला भी हम इसमें डालते तो ये भी पूरा गंदा वेस्ट जाता. तो इसलिए हमेशा तोड़ने के बाद थोड़ा स्मेल देख लेना ताकि वो अंडा जो है वो ठीक है. तो ये रहा योक पार्ट और ये रहा वाइट पार्ट. हमने टोटल 6 अंडे लिए है और अभी हम इसको ये वाइट शुगर पाउडर के साथ व्हिस्क करेंगे. तो गाइस अभी हम ये व्हाइट वाला ये पे पार्ट पे अंडे का पार्ट अलग कर लिया है. येलो वाला योग तो इधर है, इसको हम नहीं लगा रहे हैं. इस पे हम ये जो शुगर पाउडर है इसको हमने अच्छे से मिक्सर पे ग्राइंड किया है. इसको अभी हम थोड़ा थोड़ा लगा के
विस्क करेंगे गाइस, इसको हम पहले थोड़ा विस्क करेंगे कभी। गाइस इसमें हम शुगर 3 स्पून डाला है, अच्छे से इसको मिक्स करके जब ये व्हाइट टेक्सचर का होगा और ऐड करेंगे हम। ये देखिए गाइस बबल्स आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये पूरा व्हाइट फॉर्म जैसा हो जाएगा। तो गाइस ये अंडा का स्मेल जो है वो रॉ वाला अंडा वाला स्मेल आता है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा हल्का सा एप्पल साइडर विनेगर लगाया है। गाइस हमने यहाँ पर बटर ले लिया है और यह है ताज़ा दूध। ये दूध में हम इस बटर को बॉईल करेंगे और मेल्ट होने देंगे। दूध बिठा दिया गाइस, अब ये दूध थोड़ा गर्म होते ही मैं ये बटर जो है उसमें डाल दूँगी। देख सकते हो गाइस दूध थोड़ा गर्म हो गया है, मैं ये बटर जो है इसमें मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ और गैस जो है थोड़ा कम कर देती हूँ। इतने गैस में ये जो है बॉईल हो रहा है, देख सकते हो गाइस दूध कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। इसमें और थोड़ा बाकी है बटर को मेल्ट होने अच्छी तरह से। तो गाइस यहाँ पे एग योक को डाल दिया है, अब इसको विस्क करेंगे इस पर, उसके बाद ये वनीला एसेंस जो है इसमें डालेंगे। तो गाइस ये ऐसा दिखता है अभी, पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये एग वाइट्स और शुगर पाउडर है ये तैयार है। अभी इसमें हम ये जो मैदा है 100 ग्राम्स लिया है ये अभी हम इस पर डालेंगे, कम कम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और ऐसे करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे और थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखो कितना अच्छे से हो गया ये। तो गाइस इसमें अभी हम ये एग योक को डालेंगे। एग योक जो है आपको 1 बाय 1 डालना चाहिए था इस पर, बट हमने इसको अच्छी तरह से अलग से स्प्रेड कर लिया है। नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, बट कम से कम डाल के विस्क करना है ताकि सब अच्छी तरह से पूरी जगह स्प्रेड हो जाए। वेस्ट भी ना करें इसलिए जो रिमेनिंग है स्पून से लेते हैं। गाइस ये 1 ढक्कन जो वनीला एक्सट्रैक्ट का है उतना डाल दीजिए। लुक एट माय बनी वांट्स टू हैव अ केक। बनी को भी एक स्लाइस केक देगा होगा बनी, एंड मीनवाइल वी आर वाचिंग दिस। हमने इसका प्रैक्टिस भी किया है मेरा बहन और हम। दिखा तो थोड़ा सा। तो गाइस मैं अभी केक बेक करने के बाद आई एम गोइंग टू गो हॉस्पिटल। 3 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है गाइस, आई हैव टू गो सी ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो आई एम गोइंग। इसको ओवन में डालेंगे अभी हम, पहले इसमें डाल के फिर ओवन में डालेंगे। लेट्स सी इट्स अ फेल और पास। उसके साइड में हम ये कपकेक्स के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या क्या बहन बताओ? मैदा 165 ग्राम, मैदा 165 ग्राम, 1 बाय 8 सॉल्ट, नमक डाला, नमक इतना लिया। उसके बाद में अभी ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, उसके बाद ये बेकिंग सोडा 1 बाय 4 ठीक। बेकिंग ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें, हम 2 अंडे डालेंगे। कोई और तैयार है या नहीं हमारे केक खाने के लिए, लेकिन बार्नी ज़रूर एक्साइटेड है। वो देख सकते हो बार्नी कितना एक्साइटेड है, स्मेल आ रहा है यहाँ पर केक का उसको। एक पीस दे देगा ना, एक पीस दे देगा। हमने ये फॉइल पेपर लगा लिया है और यहाँ पर बटर से क्या बोलेगा उसको ऐसे कर लिया है। और ये इतना साउंड कर रहा है, ये कपकेक बना रहा है ये। और मैं जाके इसको ओवन पे डालने प्री हीट कर दिया, तो अभी ये डालेगा इधर और ओवन पे डाल देगा।
ट्रे पे गैस हम गरम पानी डाल रहे हैं क्योंकि गरम पानी के ऊपर हम उसको रखेंगे केक को जो गैस नीचे पानी दिया है उसके ऊपर केक को डालेंगे हम। कुछ ऐसा दिख रहा है अभी गैस, ये रहा हमारा केक। गुड लक, अच्छे से बन जाना, फेल मत होना। हमने 60 मिनट का ये सेट कर दिया है और ये पकेगा अभी, देखते हैं आधा घंटा बाद आके देखते हैं बन रहे। गाइस कपकेक के लिए हो रहा है, ये जो है उसने बटर स्कॉच पैनकेक बन रहा था, बटर स्कॉच कपकेक बनाया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस वही है कि उसने इसमें बटर स्कॉच एसेंस डाला है। तब ये जाएगा इसमें और ओवन पे जाएगा। ये है पेपर्स, कस्टेला केक जो है गाइस बन के तैयार हो गया है। आई होप अच्छा होगा। निकल रही है ये, देख सकते हो इसको। अभी मैं प्लेट में निकाल के देखती हूँ कितना स्पॉन्ज है और कैसा बना है। कपकेक्स थोड़ा जल गया गाइस, कितना सुंदर दिल बन गया है। ये कस्टेला केक और ये है बटर स्कॉच कपकेक्स जो थोड़ा जल गया है। ये थोड़ा इसको हम लोग सजाने वाले हैं अभी, डीआईवाई किया है। ये ब्रेड का पैकेट में ये क्रीम बनाया है और इसको डाल रहा है ताकि हमारा कपकेक जो है थोड़ा सुंदर हो जाएगा। किसका आइडिया? तुम्हारा आइडिया ना, और सुंदर भी लग रहा है। अलग अलग डिजाइन बनाया। इसको कैसे बनाया बताओ, ये वाला क्रीम को? बटर, शुगर, उसके बाद में दूध थोड़ा सा और वनीला एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा। अच्छा, बटर, शुगर, दूध और वनीला एक्सट्रैक्ट को व्हिप किया है ना बहुत अच्छे से। जो जल गया ना उसको सुंदर से बनाओ, पूरा ऊपर पूरा फिलअप कर दो। ओके गाइस, दिस इज द फाइनल लुक। टाडा, वाओ। लेट मी नो इफ दिस इज अ फेल और पास। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, इवन इफ मेरा केक जो इतना सुंदर नहीं बना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। हाँ, कस्टेला केक जो है इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन कप केक जो टेस्टी ही था। एंड या कस्टेला केक वॉज ऑल्सो टेस्टी, बट इट वॉजन लाइक कस्टेला केक, इट वॉज सपोज टू बी मोर फ्लफी एंड सॉफ्ट। बट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम अच्छा से बनाने के लिए। एंड अगर आप लोगों को कोई स्पेशल कॉन्टेंट चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट पे बताना क्या वीडियोस बनाने से अच्छा होगा, क्योंकि लॉकडाउन है एंड आई एम लाइक कन्फ्यूज कभी कभी ना, क्या वीडियोस बनाएगा, आप लोगों को कैसा कंटेंट देखने को पसंद आएगा। सो या, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।